हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नवीन, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। जैसे कि हम कल शाम को अपने वीडियो डाली थी हमने कि आज से हमारा फोर्थ क्लास का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो साहिल सर की एक वीडियो, शुभम सर की एक वीडियो तो आपने देख ली होगी, मैथ्स के उन्होंने स्टार्ट कर दिया है सिलेबस अपना। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा रीजनिंग। तो हम पहले इसका सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि रीजनिंग फोर्थ क्लास में रीजनिंग के टॉपिक्स क्या हैं हमारे पास और ये कितने मार्क्स की आएगी हमारे पास टोटल। तो अब हम बात करें कि मार्क्स कितने हैं रीजनिंग के, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स की ये हमारे पास आएगी। तो जैसे कि यहाँ से दो तीन क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे, दो तीन यहाँ से, मतलब हर कंसेप्ट से, हर पूरे सिलेबस, मतलब भी पूरे में से दो दो चार चार क्वेश्चन आएंगे पूरा 20। जैसे BSF का पेपर हुआ अभी, तो उसमें क्या था कि बिल्कुल लो लेवल था, बिल्कुल बेस लेवल से क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, लेकिन इसमें थोड़ा सा हाई लेवल, हाई भी नहीं बोल सकते हम, मतलब मीडियम लेवल रहेगा थोड़ा, तो हम उसी तरीके से आपको पढ़ा देंगे यहाँ पे। तो बात कर लें हम सिलेबस की, पहला टॉपिक है हमारे पास एनालॉगी, तो एनालॉगी है। उसके बाद कौन सा दूसरा टॉपिक, रिलेशनशिप कंसेप्ट, उसके बाद फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। नंबर सीरीज के भी 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है, और ऑड वन आउट। और फिगर ऑड वन आउट में क्या है कि आपका नंबर हो गया या फिर अल्फाबेट हो गया या फिर फिगर हो गई, मतलब सारे कंसेप्ट इसी में क्लियर हो जाएंगे आपके। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि एनालॉगी है क्या हमारे पास। एनालॉगी में क्या आ जाता है आपका कि जैसे मतलब कि रिलेशनशिप, इसमें किसी भी कोई भी रिलेशन हो गया, ऐसे रिलेशनशिप, इसमें सारा रिलेशनशिप के कंसेप्ट आ जाएंगे। जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, और उसके मेजरमेंट यूनिट पूछ लिए, SI यूनिट पूछ लिए, या फिर स्टेट और कैपिटल, क्या पूछ लिया, स्टेट आपको दे दी गिवन और उसकी कैपिटल आपको पूछ ली, या फिर आपको क्या दे दी, कंट्री दे दिया, कंट्री आपको बता दी तो उसकी करेंसी पूछ ली। ये क्या है, सारे कंसेप्ट किस में आएगा, रिलेशनशिप में। जैसे यहाँ ब्लड रिलेशन का कुछ भी पूछ लिया, ऐसे कि मदर फादर यो भी है, तो रिलेशनशिप में कंसेप्ट में दूसरा टॉपिक जो आपका आता है इसमें क्या है, ब्लड रिलेशन। ये क्या आपका, ये क्या नाम है इस टॉपिक का, ब्लड रिलेशन। तो इसमें आपका ब्लड रिलेशन पूरा कवर हो जाएगा, सारे ट्री स्ट्रक्चर और वो फोटोग्राफ पे सारे क्वेश्चंस हर तरीके से आपके करवा देंगे, कोई भी सिलेबस आपका रहेगा नहीं। थर्ड टॉपिक है हमारे पास फिगर आउट, ऑड वन आउट। तो इसमें क्या है कि फिगर्स दी होगी आपको बॉक्स में, ऐसे 4 फिगर, एक यहाँ पे दे दी सर्कल दे दी, यहाँ पे आपको स्क्वायर दे दिया, आपको ट्रायंगल दे दिया, उस हिसाब से। तो आपको ढूंढना है कि यहाँ से ऑड वन आउट कौन सी है, और इसी टॉपिक में आपका कवर होता है अल्फाबेटिकल ऑड वन आउट या फिर नंबर ऑड वन आउट। जैसे आपको दे दिया 25, 36, 7 और 49, तो ऑड वन आउट सामने दिख रहा है कि ऑड वन आउट, या फिर ABCD ऐसे कुछ भी, मतलब कि अल्फाबेटिकल, इसको बोलते हैं हम अल्फाबेटिकल और इसको बोलते हैं नंबर। ये आपका किस में हो जाएगा, फिगर ऑड वन आउट में कवर हो जाएगा। तो डायरेक्ट सेंस, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस में हमारा कौन कौन सा टॉपिक आ जाता है, डायरेक्शन में क्या आता है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट, जो एक मैंने लेक्चर्स पे पढ़ा भी दिया आपको, वैसे हम फिर से इसको कर लेंगे, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी है, तो ये डायरेक्शन सेंस हो गया। उसके बाद आ गया फिगर सीरीज कंप्लीशन, ये भी इसमें भी क्या होगा, वो फिगर्स दी होगी, ठीक है, 3 फिगर्स दे दी तो उसके आगे नेक्स्ट वाली फिगर पूछ ली कि हाँ नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, ऐसे उसमें क्या मूवमेंट रहती है कि हाँ इसका ये अपसाइड दे दिया, डाउन साइड दे दिया, फिर इसको इस तरफ घुमा दिया तो नेक्स्ट फिगर किस तरफ होगी, उस टाइप का यहाँ रहता है। तो उसके बाद आपका और क्या रहता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन कौन सा है, बेन डायग्राम। बेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपके साइलॉग्स भी कवर हो जाएंगे, साइलॉग्स। और बेन डायग्राम में क्या है, ये सम ARB या ऑल ARB, इसमें भी बेन डायग्राम में रिलेशनशिप कंसेप्ट भी कई बार पूछा होता है, जैसे दे दिया आपका कि मदर फादर और पेरेंट्स, ऐसे हम डायग्राम्स नहीं बनाते थे, तो उस टाइप का रिलेशन पूछ देते हैं बेन डायग्राम में। अब नंबर सीरीज तो सभी ने पढ़ी हुई है, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, दो टॉपिक बचे हैं कौन कौन से, नंबर सीरीज, दूसरा
कोडिंग डिकोडिंग। पहले बात करते हैं नंबर सीरीज की। अब नंबर सीरीज क्या है हमारे पास? नंबर सीरीज में जैसे कि 1, 3, 5, 7, तो आपको पूछना है नेक्स्ट नंबर कौन सा, ये हो गया, यहाँ स्केयर कर दिया, ठीक है, कौन सा नेक्स्ट नंबर नाइन, ये आपका आ गया नंबर सीरीज की, नंबर सीरीज कैसे। और इसमें से आपको इस टॉपिक में दो या तीन क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। और सबसे जो मेन टॉपिक है हमारा, जिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग डी कोडिंग, कोडिंग डी कोडिंग। और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। कोडिंग डी कोडिंग में सारे कंसेप्ट आ जाते हैं हमारे, ऑड वन आउट भी इसी में से निकल जाएंगे कुछ। और कोडिंग डी कोडिंग, जैसे हमें कोई कोड दिया होगा, जैसे ये दे दिया सोप इज कोडेड एज ट्रू, या फिर कोई नंबर दे दिया आपको 1, 2, 3, 4, मतलब कुछ भी, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ एज इट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो उसको आपको डी कोड करके जो सेम यहाँ पे तरीका उन्होंने लगाया होगा उसी को हमने जो हमें क्वेश्चन में पूछा होगा उसको निकालना होता है। तो ये तो हम कर लेंगे, पहले हम करते हैं अपना स्टार्ट सिलेबस आज का। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनालॉगी। तो एनालॉगी को हम स्टार्ट करें, पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, पूरा सीरीज वाइज चलेंगे एनालॉगी। एनालॉगी है क्या चीज़ है बेसिकली? इसको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि कितने प्रकार की रिलेशनशिप होती है। अब रिलेशनशिप, काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप का क्या मतलब कि जैसे हमारे पास इसकी टाइप्स होती है, अलग अलग टाइप्स। फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट। अब साइंस में भी आपने पढ़ा होगा ये कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज होता है और ये किसके लिए यूज होता है। तो आपको यहाँ तो मेजरमेंट दी होगी तो इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया होगा, या आपको इंस्ट्रूमेंट दिया होगा तो मेजरमेंट पूछ ली होगी। वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसे सेट करा उन्होंने, उसी हिसाब से अपना क्वेश्चन पूछेंगे। अब इस टाइप को, फर्स्ट टाइप है हमारे पास कौन से? इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। जैसे हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, फर्स्ट जैसे मैं बोलता हूँ कि ऑडोमीटर। क्या है? ऑडोमीटर। अब बाइक, स्कूटी वगैरह सबने देखी हुई है गाड़ियाँ, तो वो वहाँ पे जो आगे जो हैंडल के पास जो होता है गोल सा, उसको हम बोलते हैं ऑडोमीटर। और वो क्या हमें दर्शाता है, क्या दिखाता है हमें? स्पीड, कि हाँ हम कितनी स्पीड पे चल रहे हैं, कितनी स्पीड लिमिट पे चल रहे हैं। तो ये क्या, ऑडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें क्या करता है, स्पीड मेजरमेंट क्या है, क्या मेजर करके देता है, स्पीड को मेजर करके देता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे थर्मामीटर सभी को पता है। थर्मोमीटर किसके लिए यूज होता है? थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, टेम्परेचर हमारी बॉडी का, यहाँ ठीक है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम, थर्मोमीटर वो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर करके हमें दिखा देते हैं, हाँ इतना टेम्परेचर है। तो मतलब ये इंस्ट्रूमेंट था, क्या मेजर कर रहा है? टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। ऐसे और हम एक होता हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हमें क्या क्या मेजर करता है? ये ह्यूमिडिटी। अब एक होता है हमारे पास हाइड्रोमीटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना, हाइड्रो और हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड ये हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल के देता है हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज होता है? ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है। बस इतना सा याद रखना आपको। तो ऐसे बड़े सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में सारे इंस्ट्रूमेंट आपको नाम दिए हुए हैं। वैसे आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ये, फिजिक्स में या केमिस्ट्री, जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट जिसमें भी आ जाते हैं। ऐसे मैं और एग्जांपल लेते हैं, एक बैरोमीटर। क्या बैरोमीटर? सुना होगा सभी ने ये नाम। बैरोमीटर क्या? प्रेशर मेजर करके देता है हमें। क्या मेजर करता है? प्रेशर, कि हाँ कितना प्रेशर, जैसे विंड प्रेशर हो गया, अलग अलग टाइप के प्रेशर आ गए। ये हो गया फर्स्ट काइंड आपकी, फर्स्ट काइंड खत्म। तो पहली क्या थी? इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे पास? पहला मैंने लिया ऑडोमीटर, क्या मेजर करता है? स्पीड। थर्मोमीटर टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, और हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बैरोमीटर प्रेशर। अब आपको क्वेश्चन भी ऐसे आया होगा कि हाँ इंस्ट्रूमेंट दे दिया उसने, तो बताओ इसका ऑप्शन, चार ऑप्शन दे दिए होंगे। जैसे इन्होंने बैरोमीटर का लिखा, ऑप्शन दे दिया प्रेशर दे दिया, डेंसिटी दे दी, ह्यूमिडिटी दे दी, टेम्परेचर दे दिया, तो आपको क्या टिक करना है वहाँ पे? प्रेशर आपका सही आंसर।
अब इसकी सेकंड टाइप हमारे पास आती है, सेकंड टाइप हमारे पास आती है स्टेट एंड कैपिटल। स्टेट एंड कैपिटल, स्टेट हमें दी होगी तो कैपिटल निकालनी है, अगर कैपिटल दिया होगा तो स्टेट का बताना हमें कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको जरूरी है, हाँ बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ये इसकी इस स्टेट की कैपिटल क्या है और इसकी क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ कि यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की क्या है कैपिटल, क्या है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। बिहार, पटना। तो ऐसे ही मतलब कि स्टेट दिया होगा कैपिटल हमें बताना होता है, तो इसी को हम बोलते हैं एनालॉगी। बता रहा ना रिलेशन, हाँ कि यूपी का क्या रिलेशन है लखनऊ से, या लखनऊ का क्या रिलेशन है यूपी से, वो स्टेट और क्या है कैपिटल। जैसे सिक्किम की बात करें, क्या है गैंगटॉक। और भी हमारे पास बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया। तो पंजाब, पंजाब का सभी को पता है, पंजाब का चंडीगढ़, गुजरात का अहमदाबाद, तो ये था आपकी सेकंड टाइप स्टेट्स एंड कैपिटल। पहले हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप समझ लो कि हाँ इसकी टाइप क्या और क्या है, इस टाइप में कैसे इसको पूरा एक्सप्लेन करके रखना पड़ता है हमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है हमारे पास कंट्री एंड करेंसी, कंट्री एंड करेंसी। जैसे इंडिया की क्या करेंसी है, इंडिया कंट्री है ना हमारी, तो इंडिया की क्या करेंसी है रुपी, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यूएसए की बताओ, यूएसए भी कंट्री है ना, यूएसए की क्या है डॉलर। ऐसे बड़े सारे, ऐसे मैं बोलता हूँ कि जर्मनी के बता दो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हो उसने। जर्मनी की क्या है यूरो, अलग अलग। जैसे नेपाल की भी, और हाँ नेपाल की भी क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, नेपाल और इंडिया सेम ही है, रुपी, नेपाल रुपी। तो नेपाल की क्या बताई मैंने रुपी, नेपाल की भी क्या आ गई रुपी आ गई। और ऐसे हमारे पास बड़ी सारी एग्जांपल है, जैसे फ्रांस ले लें हम, फ्रांस कंट्री है ना, तो फ्रांस की क्या है यूरो, यूएसए डॉलर बता दिया। यूके की क्या है ब्रिटिश पाउंड, ऐसे अलग अलग मतलब बड़ी सारी है। तो ये रुपी हुआ ना, जैसे ये इंडियन रुपी होता है इंडिया का इंडियन रुपी, तो वैसे ही क्या है नेपाली, नेपालीज रुपी, इसको क्या बोलेंगे नेपालीज, नेपालीज रुपी। वैसे ही अलग बड़ी सारी कंट्री हैं, तो वैसे ही सारी कंट्री के थोड़ा थोड़ा हिंट आपने देख लेना है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो। फोर्थ नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में क्या है हमारे पास क्वांटिटी एंड यूनिट, क्वांटिटी एंड यूनिट। जैसे हमारे क्वांटिटी दी होगी तो हमें यूनिट बताना है। जैसे फिजिक्स में पढ़ा ना सभी ने कि फोर्स, फोर्स क्या है क्वांटिटी, क्या यूनिट था इसका न्यूटन, फोर्स का न्यूटन हो गया। ऐसे सेम एज इट इज पावर, हाँ कितनी पावर, कितनी कितनी पावर मतलब कि वाट, वाट में दिया होता है कि हाँ इतनी वाट पावर। सिमिलरली करंट, करंट का क्या एम्पियर, एम्पियर। सेम ऐसे ही एनर्जी, हीट, इन दोनों का क्या है सेम, सेम यूनिट है क्या है जूल। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या हर्ट्स, अलग अलग। अब क्या था हमें क्वांटिटी दे रहा हो, क्या है क्वांटिटी, तो हम क्या बता रहे हैं उनके, ये सारे क्या है
यूनिट्स बता रहे हैं कि हाँ इसका ये यूनिट है, इसका ये यूनिट है, अलग अलग टाइप से। जैसे एंगल का रेडियन हो गया, प्रेशर पास्कल और वर्क का क्या है यू, अलग। अब हमारे पास फोर टाइप्स इसकी हो गई है, तो नेक्स्ट टाइप हम क्या है इसकी क्या पढ़ना है, स्टडी एंड टॉपिक। स्टडी एंड टॉपिक ये फिजिक्स का, मैंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा इसी में है, मतलब उसी के रिलेटेड, जहाँ फिर ओवर आपको बेसिक नॉलेज कंट्री करेंसीज का जैसे पूछ लिया उन्होंने, तो कहीं से भी एनालॉजी का मतलब ही यहाँ रिलेशनशिप की, जो जो रिलेशन बन रहा है हमें वो बताना है। तो इसका क्या फोर्थ टाइप है हमारे पास, स्टडी एंड टॉपिक। क्या स्टडी एंड टॉपिक, जैसे हम कोई भी स्टडी करनी है तो हमें टॉपिक का पता होना चाहिए ना, टॉपिक का ही नहीं पता वो क्या स्टडी करेंगे। जैसे सिस्मोलॉजी, क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ क्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी, एस ई आई एस एम ओ सिस्मोलॉजी। किस अर्थ क्वेक की, किसकी स्टडी है, अर्थ क्वेक की, भूकंप वगैरह जो होते हैं। पेडोलॉजी, पी ई डी ओ एल ओ पेडोलॉजी, किसकी स्टडी है, सॉयल की। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें सारे हमने पूरे पीडीएफ में इसमें पूरे वो डाले हुए हैं। कार्डियोलॉजी हो गया हमारे पास, ये किसकी स्टडी है, हर्ट की स्टडी। हर्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, डॉक्टर्स वगैरह करते हैं। ये टॉपिक हो गया हमारे पास फोर्थ, क्या था, स्टडी एंड टॉपिक। ऐसे वायरोलॉजी, कुछ तो होते हैं जो नाम से हमें पता चल जाता है, वायरो मतलब वायरस, वायरस की स्टडी होगी, ठीक है, वायरस की। जियोलॉजी हो गई, ऐसे किसकी स्टडी है जियोलॉजी, एनिमल्स, जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट की स्टडी करते हैं, अलग अलग टाइप से ऐसे हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इसकी, कौन सिक्स टाइप, टाइप सिक्स, सिक्स टाइप में क्या, एनिमल एंड इट्स जंगल वन, एनिमल्स एंड इट्स यंगर वन। अब इसमें क्या रहता है स्टडी, जैसे मैं बोलता हूं कि मैन, मैन का यंगर वन मतलब चाइल्ड हो गया, बियर कब हो गया, शीप, शीप के बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम, ठीक है। कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, यंगर वन मतलब कि उनके बच्चे जो छोटे, कैट के बच्चे को किटन। ऐसे ही कौ के बच्चे को क्या बोलते हैं हम, काफ। एनिमल्स ये क्या है, एनिमल्स एंड जंगर वन, एनिमल मैन वगैरह सारे मतलब इसी में आया था, एनिमल्स अलग और मैन फीमेल, मेल फीमेल सारे मिक्स। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इसकी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, सेवन टाइप। सेवन टाइप क्या, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप में क्या है, जैसे गुड्स, गुड्स क्या चीजें, किसमें रखी है, स्टॉक में रखी होती है ना, लॉट ऑफ गुड्स कॉल्ड एज स्टॉक। जैसे मैं बोल रहा हूं कि फ्लावर्स, फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या है, हमें बकेट मिलता है ना। प्लेयर्स, प्लेयर किसमें आते हैं, टीम में, एक टीम में होता है ना प्लेयर, क्या आ जाएगा ऐसे, टीम। म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन को क्या बोलते हैं इसके, जब पूरी टीम को, बैंड, जो बैंड होता है उनका पूरा बनाया होना, जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, आर्मी, ग्रेपस को बंच, फिश सोल, अलग अलग। अब सेम ऐसे नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, वर्कर्स एंड प्रोडक्ट,
रिलेशनशिप, वर्कर्स एंड प्लग रिलेशनशिप। जैसे कि पोइट, पोइट मतलब वर्कर, पोइट क्या काम करता है अपना, पोइट क्या करता है, पोइम, पोइम को लिखता है पोइम। सेम ऑथर क्या करता है, ऑथर बुक लिखता है, मतलब क्या काम करते हैं वो उसके रिलेटेड आ जाएगा। सेम एडिटर क्या करता है, न्यूज़पेपर एडिट करता है, एडिटर क्या करता है, न्यूज़पेपर। ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे फिल्म, फार्मर का क्रॉप, अलग अलग मतलब कि बड़े सारे होते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आ जाता है थोड़ा इंग्लिश का कंसेप्ट, इसमें इसका इंग्लिश का कंसेप्ट आ जाएगा इसमें थोड़ा। इंग्लिश का कहने का मतलब, जैसे हम नाउन में पढ़े हुए हैं ना सारे, कि हॉर्स का क्या होता है, मतलब कि हॉर्स, हॉर्स का क्या आता है हमारे पास, मेयर। हस्बैंड का वाइफ, कॉक का हैंड, पढ़े ना नौ में सारे पढ़े हुए हैं। बॉय का गर्ल, मॉन्क का नन, किंग का क्यून, जेंटलमैन का लेडी। अब लास्ट टाइप है हमारे पास प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब चीजें, और रॉ मटेरियल मतलब कि किसकी बनी हुई है वो रॉ मटेरियल। अब प्रोडक्ट मैं बोलूँ, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे दिया हमें, जैसे मैं बोला प्रिज्म, देखा सभी ने प्रिज्म, ट्राइंगल शेप का, स्कूल में देखा होगा, 10th में प्रैक्टिकल जब करते थे। तो प्रिज्म किसका बनाता था, वो ग्लास का। तो मतलब प्रोडक्ट क्या था, ग्लास। रॉ मटेरियल क्या है, सॉरी प्रोडक्ट क्या था, प्रिज्म, और ग्लास क्या है, रॉ मटेरियल मतलब किस, जिस मटेरियल का वो बना हुआ है। ऐसे दीवार, दीवार मतलब वाल, वाल किसकी बनी होती है, ब्रिक्स, ईंटों की बनी होती है ना, समझ आ रहा है। मैं तो प्रोडक्ट क्या है, मैं ये प्रोडक्ट दे दिया, और बना किसका, रॉ मटेरियल ये ब्रिक्स का बन गया है। जैसे क्लॉथ्स, कपड़े किसके बने, फाइबर के, फाइबर के बने होते हैं। जैसे बुक किसकी बनी होती है, पेपर की, बुक का क्या आ गया, पेपर आ गया। ऐसे बड़े सारे, अब आपको इसकी टाइप्स हमने क्या कर दी, खत्म कर दिया। ऐसे एक दो टाइप्स और है इसकी, ऐसे साउंड का, एनिमल हो गया, साउंड हो गया कि हाँ एनिमल की क्या है, ऐसे कैट का क्या हो गया, म्याऊं, डॉग का वाक, डक का क्वैक, फ्रॉग का, ठीक है, अलग अलग रहता है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे जितनी सारी टाइपें हमने करी अभी तक, उसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं उस पर थोड़े से। ऐसे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया उन्होंने कि स्टेथोस्कोप, ST, टेम्परेचर, ठीक है, आपको ये दे दिया। ऐसे स्टेथोस्कोप क्या, हर्ट के लिए, और टेम्परेचर किसके लिए होगा, हमें वो रिलेशन ढूंढना है। अब इसका रिलेशन जैसे ये दे रहे, दोनों में क्या रिलेशन डिफाइन हो रहा है, अब हमें डिफाइन करना है कि टेम्परेचर के लिए हमें क्या रिलेशन बनेगा। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन में क्या दिया हुआ, जैसे आपको चार ऑप्शन होंगे हमारे पास, जैसे दे दिया आपको थर्मोमीटर, थर्मोमीटर हो गया, ठीक है, अलग से दे दिया, ऐसे अलग दे दिया, ऐसे क्या हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, या नन ऑफ दीज। तो क्या है ऑप्शन में, अगर ये इसके रिलेटेड है, हर्ट के रिलेटेड, तो थर्मोमीटर किसके लिए यूज होता है, टेम्परेचर के, स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने, तो क्या ऑप्शन आएगा, टेम, थर्मोमीटर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ऑड वन आउट भी निकलेंगे ऐसे इसमें कुछ, या फिर ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे सेम। जैसे उन्होंने बोल दिया कि इफ तमिलनाडु, हम ले लेते हैं ऐसे, हाँ तमिलनाडु का किसके साथ रिलेशन दिया आपको, चेन्नई के साथ रिलेशन दे दिया। फिर क्या करेगा वो, पूछेगा कि किसका पूछा उसने, जैसे डैश लखनऊ, लखनऊ का पूछ लिया उसने, क्या ये लखनऊ, अगर तमिलनाडु को उसने दे दिया चेन्नई, तो हमें दिख रहा है क्या, स्टेट एंड कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो
तो तमिलनाडु की क्या कैपिटल? चेन्नई। ऐसे तो मैं लखनऊ का क्या आएगा? यूपी। बस ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा वो। तो हम कल यहीं से आपको स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया इसका, कि हाँ सिलेबस है क्या, कितने 20 मार्क्स का सिलेबस आएगा, 20 मार्क्स का आएगा पूरा आपको। और ये 20 नंबर आपको जैसे मर्जी लेने, क्योंकि रीजनिंग के मुफ्त के नंबर होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, और ये बिल्कुल इजी आती है हमें रीजनिंग, बिल्कुल इजी आएगी वहाँ पे। बता दिया मैंने जैसे आपको कि एनालॉगी, डायरेक्शन सेंस, रिलेशनशिप, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, बेन डायग्राम हो गई, अलग अलग टॉपिक्स आ जाएंगे। तो हमने आज ये डिस्कस करा एनालॉगी। एनालॉगी में क्या पढ़ा हमने कि एनालॉगी क्या होती है? रिलेशनशिप, मतलब काइंड ऑफ रिलेशनशिप। क्या बताती है हमें? काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। तो अगर ये काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, फिर उसके क्या पढ़े हमें आगे? टाइप्स पढ़े कि कौन कौन सी टाइप्स की होती है। 7 to 8 टाइप्स मैंने बता दिया आपको अलग अलग, ठीक है। कैपिटल, स्टेट कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, एनिमल्स का हो गया, ठीक है। आपको ये सब थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो आपको फिर लास्ट में हमने क्या क्वेश्चन डिस्कस करें इसके, 2 क्वेश्चन। अब कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपको पूरा अल्फाबेटिकल, मतलब सही नंबर में भी अगर जो भी आएगा, सेम नंबर एनालॉगी, तो पूरा हम आपको बता देंगे यहाँ पे। कल से क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हमारा टेलीग्राम पे चैनल है JKSSB_6114, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वहीं से मिल जाएगी हमारी, JKSSB_6114, आपको वहीं से हमारी मिल जाएगी। हमारा YouTube चैनल भी सेम है, आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए जो भी हम करें। तो आज से हमारा 4th क्लास का सिलेबस जो हो रहा है स्टार्ट हो रहा था, हमने आज स्टार्ट कर, जैसे कल आप वीडियो डाली थी हमने कि हाँ आज स्टार्ट करेंगे, तो सुबह आपको मिल जाएगी करंट अफेयर्स की वीडियो, और रात को, शाम को, मतलब 8 to 9 जो भी मैथ था, और 9 to 10 रीजनिंग रहेगी आपकी। साइंस का भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश, साइंस, सब, हर एक टॉपिक आपको क्लियर करवाएंगे। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।